Hi, hello, welcome to Ninth Live Daily. You're watching Unacademy Foundation channel. So welcome back. हम नाइट्रोजन लेसन पे लेक्चर 2 पर आ चुके हैं. आई होप आपको ये नए सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम एलिमेंट्स जिनके यूजर्स जो है वो बहुत सारे हैं. सो दैट इज़ आई नाइट्रोजन के लेसन हमने स्टार्ट किया है. लेक्चर 2 पे हम पहुँचे हैं. अगर सबसे पहले नए लर्नर है इस प्लेटफॉर्म में, सो सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एज वेल. एंड ये पूरी हमारी सॉलिड टीम है आपके लिए. अगर आप IIT फाउंडेशन या नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो एंड देन वी आर हियर, एंड ये चैनल के द्वारा आप जरूर अपना सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकते हो. आई विल बी टेकिंग अप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सुरभि मैम विल बी टेकिंग अप मैथमेटिक्स, विंध्या मैम विल बी टेकिंग अप बायोलॉजी. एंड ये हमारा टाइम टेबल है कि किस टाइम पे हमारे लेक्चर्स प्रीमियर होते हैं. मंडे टू सैटरडे 5 to 7 PM के बीच में हमारे लेक्चर्स होते हैं. एक और एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि वी आर कमिंग लाइव एवरी डे. एक तो क्विज लेके आ रहे हैं, नहीं तो मोटिवेशन लेके आ रहे हैं. सो ज़रूर हमारे चैनल पे रहिएगा एंड सो यू विल नो व्हाट आर द प्रोग्राम्स या शेड्यूल में क्या क्या हो रहा है हमारे चैनल पे, ठीक है. एंड अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम ऐप के द्वारा आप ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं. तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा टेलीग्राम ऐप. एंड ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ ब्राउज़र में जाके URL के जगह टाइप करना है tinyurl.com/unacademyfoundation. तो इस URL से आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो, लाइक जहाँ पे मोर देन 700+ स्टूडेंट्स है. यू ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टूडेंट फ्रेटर्निटी. Unacademy, you know, it's becoming India's largest learning platform जहाँ पे top educators of the country पढ़ा रहे हैं. And if you are in 9th-10th standard, then this is a golden opportunity क्योंकि हम भी आपको Unacademy Plus में पढ़ा रहे हैं. And यहाँ जो YouTube पे हम classes दे रहे हैं, that is completely free of cost. I agree कि सारे concepts भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं. But what is the speciality of Unacademy Plus? Classes जो है वो बहुत personalized क्लास होते हैं. सो यू कैन आस्क योर डाउट एज मच एज यू कैन, क्योंकि लाइव चैट बॉक्स होते हैं वहाँ पे. एंड ऑल्सो सारे लेसन्स जो है वो रिकॉर्डेड है, तो कभी भी आप अपना कन्वीनियंट टाइम में बार बार देख सकते हो. एंड साथ साथ अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया है एक कैटेगरी के अंदर, देन उस कैटेगरी के अंदर जितना भी कोर्सेज है सारे कोर्सेज आप एंटर कर सकते हो. सो यू कैन ऑल्सो जॉइन देअर कोर्सेज एज वेल, ठीक है. एंड साथ साथ एड ऑन फीचर्स ये है कि क्विजेस होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज रहते हैं. सो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है. तो यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो टू जॉइन आवर अनअकैडमी प्लस आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्राउजर में जाके आपको प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में. एंड देन यहाँ आपको प्लस सेक्शन में जाके चूज योर गोल में यू हैव टू चूज फाउंडेशन एंड NTSC. एंड अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग है, ऑलरेडी फंडामेंटल स्ट्रांग है, then we also have options like IIT, JEE है, NEET है. तो एक plan आप उठा सकते हो, any goal that you like and then click on get subscription. तो इतना सारा हमारा plans होते हैं. so we have 1 month, 3 month, 6 month, 1 year as well as 2 year subscription plans. and अगर आप देखते हैं long term plans will be very very good because price wise बहुत reasonable हो जाएगा आपको. so अगर 9th standard student आप हो तो आप ज़रूर 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. वहां पे मंथली बेसिस इट विल बी लेस देन लाइक 1,167 रुपीज. एंड डेली बेसिस में अगर आप देखते हैं सो इट विल इवन बी लेस देन 50 रुपीज पर डे. सो दिस इज लाइक आपको बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है. एंड ऑल्सो मेरे तरफ से ये तोहफा है. सो अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ किया है, सीमा लाइव रेफरल कोड यूज़ करने से आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलता है सारे प्लान्स में, ठीक है. सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. दैट इज़ नाइट्रोजन लेसन के हम बात कर रहे थे.
removal of different components from air. So basically nitrogen preparation from air हम बात कर रहे थे. So वहाँ पे fractional distillation का जो concept है यहाँ पे, so जो भी first other components है उसका removal कैसे करना है, so वो हम सीख रहे थे. So this is already done. तो quick recap, dust particles कैसे remove करते हैं through electric precipitator, ये हमने देखा है. Water vapor by passing it through concentrated sulfuric acid so that it will suck all the moisture content present. And carbon dioxide कैसे remove करते हैं हम, by passing concentrated KOH solution so that KCO3 formation हो रहा है, is it right? नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन रिमूवल कैसे कर रहे हैं हम, सो बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कॉपर. सो ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आपको मिल रहा है, लीविंग बिहाइंड नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस. तो ऑलमोस्ट सारे जो भी कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स, तो वो हम यहाँ पे रिमूव कर गया है. एंड नेक्स्ट बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, तो ये भी हमने देखा है जूल थॉम्सन इफेक्ट से हम कैसे, व्हेन यू आर पासिंग गैस अंडर प्रेशर इट्स अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. अब क्या होगा, टेम्परेचर सडनली फॉल होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज जूम थॉम्सन इफेक्ट, इज इट राइट? सो द लिक्विफाइड एयर जो आपको मिला है वहां पे, एंड देन दैट इज सब्जेक्टेड फर्दर टू फ्रैक्शनल इवेपोरेशन. ठीक है, सो यहाँ लिक्विफैक्शन ऑफ एयर बाय कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन. तो नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट लिक्विफैक्शन. तो हो गया है अब, मतलब एक्सपैंड हो चुका है, एंड नाउ इट इज लिक्विफाइड. हाउ डू यू लिक्विफाई इट? सो प्यूरिफाइड एयर जो आपको मिला है अब, बाय रिमूविंग ऑल अदर गैस कॉम्पोनेंट्स, अब क्या हुआ, दे आर कंप्रेस्ड फर्स्ट, ठीक है, एंड देन दे आर अलाउड. Okay, first they are compressed and then they are allowed to expand suddenly. ठीक है, first compressed. Okay, first compressed and allowed to expand suddenly. Allowed to expand suddenly. ठीक है, first compress कर रहे हैं हम and then we are allowing it to expand suddenly. तब क्या होगा, there is a small hole of low pressure, मतलब high pressure से compress करने के बाद क्या होगा, high pressure region होगा, is it right? And then we are actually creating a small hole. ऐसे हम दो compartments की तरह कर रहे हैं and यहाँ पे small hole हम कर रहे हैं. ठीक है, so from this high compressed region suddenly we are expanding it, that means we are allowing it to cool, है ना? So they move all the compressed air जो है, so that they start moving through this hole. अब क्या होगा, cooling effect होगा. So suddenly जब high pressure से low pressure तक हम जा रहे हैं, then क्या होगा, sudden temperature drop हो जाएगा and इसकी वजह से the hot air that was there compress करने के बाद, तो अब वो cool हो जाएगा. So the air gets cooled here and ये process repeat करेंगे हम. ठीक है, बार बार ये प्रोसेस रिपीट करते करते हुए क्या होगा, टेम्परेचर जो है इतना लो हो जाता है एंड फाइनली द गैस विल गेट लिक्विफाइड. ठीक है, सो ये है प्रिंसिपल दैट इज फ्रॉम जूल थॉम्सन इफेक्ट. तो ये प्रोसेस जो हमने यहाँ कंप्रेशन से एक्सपेंशन जो कर रहे हैं, ठीक है, अलाउड टू एक्सपैंड, सो ये हम बार बार करते रहेंगे सो दैट यहाँ पे जो एयर एक्सपैंड हुआ है फिर से हम इसको कंप्रेस करेंगे, फिर से विल अलाउ इट टू एक्सपैंड, टेम्परेचर ड्रॉप होगा. सो सफिशियंट टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद क्या हो जाएगा, एयर विल गेट लिक्विफाइड. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली, एंड नाउ हमें बात करना है मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ लिक्विड एयर. तो अब हमें लिक्विड एयर मिल गया, रिपीट दिस प्रोसेस. सो रिपीट प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, लिक्विफाइड एयर मिल रहा है, इज इट राइट? अब अगर आप देखते हैं, सो ये लिक्विफाइड एयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट, ओके, लिक्विफाइड एयर में मेजर कंपोनेंट जो है, सो दैट विल बी फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट. यू कैन सी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड एयर एंड उनके बॉइलिंग पॉइंट्स. तो लिक्विड नाइट्रोजन पहले, लिक्विड नाइट्रोजन है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखते हैं, सो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, इज इट राइट? एंड लिक्विड ऑक्सीजन का,
लिक्विड ऑक्सीजन का कितना है, -183 अप्रोक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो लिक्विड नाइट्रोजन जो है, सो दैट इज हैविंग द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इज इट राइट. एंड अगर आप इसको वार्म करेंगे, सो ये लिक्विड मतलब लिक्विफाइड एयर है, एंड अगर आप देखते हैं सो लिक्विड नाइट्रोजन विल हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू लिक्विड ऑक्सीजन एज वेल. तो अगर आपने थोड़ा सा वार्म कर दिया है इसको, क्या हो जाएगा, सडनली लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू द गैशियस फॉर्म, एंड गैशियस नाइट्रोजन हो जाएगा. सो यहाँ आपको बचेगा सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन. तो वो जो लिक्विड नाइट्रोजन आपको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, एंड देन यू गॉट प्योर नाइट्रोजन, एज वेल एज बाय प्रोडक्ट भी है आपको, दैट इज प्योर ऑक्सीजन भी आपको मिला है. सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल्ड प्रोसेस हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर या इन ऑर्डर टू सेपरेट नाइट्रोजन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है आपको. सो लास्ट में क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को कलेक्ट करेंगे, एंड देन गैशियस नाइट्रोजन है तो इसको हम स्टोर भी करेंगे इन द सिलेंडर्स. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर और वी गेट नाइट्रोजन. सो बल्क में हम ऐसे ही करते हैं, एंड दिस इज पॉपुलर मेथड एज वेल. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका है. यहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट आपको याद रखना है, सो दैट विल एक्सप्लेन कि कैसे हम गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म तक कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, सो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. नेक्स्ट हमें देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, सो दैट इज नथिंग बट, ठीक है, नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस. तो ये चीज आपको पता भी है, इज इट राइट. सो इट इज कलरलेस, इट इज ओडरलेस, एज वेल एज इट इज टेस्टलेस गैस. नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन जो है, सो वो कितना है, दैट इज -196. यहाँ पे माइनस भूल गया है हम, इज इट राइट. सो अभी तो हमने देखा है नाइट्रोजन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी माइनस होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो -210 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, अभी हमने देखा है. सो दैट इज हाउ वी कैन सेपरेट इट फास्टर. थर्ड पॉइंट क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज नाइट्रोजन इज स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. सो मतलब पार्शियली सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है वो पानी में. सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर 23 ml ऑफ नाइट्रोजन. तो अगर आपको एक अंदाज में बोलना है कि कितना सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन का, सो इफ यू आर टेकिंग 1 liter ऑफ वाटर, सो इसका मतलब 23 ml ऑफ नाइट्रोजन विल डिजॉल्व. ओनली 23 ml ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व होता है 1 liter ऑफ वाटर में. ठीक है, सो दैट इज वाई वी से इट इज पार्शियली या फिर वेरी वेरी फीबली सॉल्युबल इन वॉटर. ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, दैट इज नाइट्रोजन गैस इज स्लाइटली लेस डेंस दैन एयर. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ प्योर नाइट्रोजन जो है, सो दैट इज 1.25 gram पर सेंटीमीटर क्यूब, इज इट राइट. एंड दैट ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज 1.25 gram पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड एयर का अगर आप देख रहे हैं, सो यू कैन सी दैट इट इज 1.29 gram पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एयर और नाइट्रोजन के डेंसिटी, सो नाइट्रोजन इज लेस डेंस कंपेरेटिवली दैट ऑफ एयर. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, सो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन जो है, दैट इज कंबस्चन. सो डज इट हेल्प इन कंबस्चन, नहीं, इज इट राइट. ओनली ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्चन, नाइट्रोजन इज नॉट. सो नाइट्रोजन विल बी नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबस्चन. ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है, नाइट्रोजन विल बी नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबस्चन. ठीक है, एक्शन विद लिटमस, नेक्स्ट वन
लिटमस टेस्ट में कैसे मतलब रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन विल बी न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस सॉल्यूशन. दैट मींस क्या है, इट विल नीदर टर्न एज अ ब्लू लिटमस रेड या इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. सो न्यूट्रल है, थस इट विल बी नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर. बिकॉज ऑफ दिस हम प्रूव कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, बट इट इज एक्चुअली न्यूट्रल. ठीक है, सो नेक्स्ट हमें देखना है रिएक्शन विद लिथियम. लिथियम मेटल के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन क्या है. सो नाइट्रोजन रिएक्ट ओनली विद लिथियम टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. लिथियम के साथ रिएक्शन, दैट इज विद लिथियम, आप ये लिख सकते हैं लिथियम प्लस नाइट्रोजन. Is it right? So, आप क्या expect कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, that is lithium nitride. तो lithium nitride का जो formula है, so that is Li2N. ठीक है, सो लिथियम प्लस नाइट्रोजन आपको मिल रहा है लिथियम नाइट्राइड. ठीक है, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं. सो दिस विल बी लाइक 2, तो ये कितना हो गया, सो ये 4 हो गया. इज इट राइट, एंड ये 2 है, सो दिस कैन बी 4, तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं आप. ओके, सो दिस इज हाउ. नहीं, यहाँ पे मैंने गलती किया है. यस, नाइट्रोजन का एक्चुअली, यस, नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है, N3-. इज इट राइट, एक्चुअली नाइट्रोजन का है N3-, सो ऑब्वियसली यहाँ पे Li3N होना चाहिए था. यस, मेरा मिस्टेक है. लिथियम नाइट्राइड यहाँ पे क्या फॉर्मूला है इसका, दैट इज Li3N. ठीक है, Li3N, क्योंकि Li+1 स्टेट है एंड नाइट्रोजन N3- स्टेट में है. ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे Li3N होना चाहिए था. सो अब आपको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 4 के जगह आपको क्या मिल रहा है, 6 मिलेगा. इज इट राइट, सो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Li3N, याद रखिए ये. ओके, नेक्स्ट हमें देखना है रिएक्शन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्शन होगा. सो इट विल रिएक्ट विद हॉट मैग्नीशियम कैल्शियम टू फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स. ठीक है, सो सेम वे आप लिख सकते हैं Mg+N2. अगर आपने हीटिंग किया है इसको थोड़ा सा, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेम वे Mg, यहाँ पे Mg3N2, समझ रहे हैं आप, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है. यहाँ पे लिथियम जो था अल्कली मेटल था, सो +1 स्टेट, यहाँ पे +2 स्टेट है, सो Mg3N2 हो जाएगा. सिमिलरली कैल्शियम के साथ भी सेम टाइप रिएक्शन है, कैल्शियम प्लस N2, अगर आपने हीटिंग किया है इसका, सो Ca3N2 हो जाएगा. इज इट राइट, कैल्शियम नाइट्राइड. सो मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड कैल्शियम नाइट्राइड फॉर्मेशन हुआ है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये तो वेरी फेमस रिएक्शन, आपको भी पता है. क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल रहा है, अमोनिया फॉर्मेशन होता है. सो आप लिख सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. सो आपको क्या मिलने वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिल रहा है. इज इट राइट, एंड ये टेम्परेचर या मतलब ये रिएक्शन के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. दैट मीन्स हीट विल बी लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एंड दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. दैट मीन्स आप अगर इस रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहते हैं, दैट इज फ्रॉम अमोनिया, वो आपको वापस रिएक्टेंट्स N2 एंड H2 भी मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस रिएक्शन कैन मूव बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट देख लीजिए, इन ऑर्डर टू गेट ऑप्टिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, मतलब इन ऑर्डर टू गेट हाईएस्ट पॉसिबल यील्ड ऑफ अमोनिया, क्या करना है, रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर हाई प्रेशर एंड ऑल्सो एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, सो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, दैट इज टू गेट द ऑप्टिमम यील्ड, अब क्या करना है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा मतलब
हाई प्रेशर में लेना है. सो अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, एज वेल एज ये कितना है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर में लेना है. ठीक है, सो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर नेसेसरी होता है. एंड ऑल्सो यहाँ एट लोअर टेम्परेचर द हील्ड इज हायर बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज लो. तो अब यहाँ पे हम टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज द रिएक्शन जो है यील्ड अच्छा आपको मिलता ही है बट रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो है बहुत. मतलब ये रिएक्शन अगर आपको मतलब एक दिन में लग रहा है देन दिस विल टेक लॉन्गर देन दैट. ऐसा है कि मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू कि एक दिन लगेगा इस रिएक्शन को. ठीक है, सो इट मीन्स कि यील्ड तो अच्छा ही होता है बट रेट जो है रिएक्शन का रेट जो है सो दैट विल बी लो. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं इवन एट 500 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा लिया है फिर भी आपको यहाँ पे एक कैटलिस्ट का जरूरी है इन ऑर्डर टू एनहांस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, सो विच इज द कैटलिस्ट यूज्ड? आयरन इज अ कैटलिस्ट यूज्ड. ओके, Fe, आयरन इज अ कैटलिस्ट यूज्ड हियर इन ऑर्डर टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन. तो अगर आप फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का देख रहे हैं सो यू विल नोटिस कि कितना चीजें इन्वॉल्व है. वन एंड टू रिएक्ट विथ थ्री H2 giving you 2NH3, temperature 500 degree Celsius, 200 atmosphere and एक catalyst की जरूरत है, that is iron. ठीक है, so this is about reaction with hydrogen. ठीक है, सिमिलरली रिएक्शन विद ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट 3000 डिग्री सेल्सियस, तो इतना हाई टेम्परेचर में आप देख सकते हैं N2 विल कंबाइन विद O2 टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. कि आप रिएक्शन लिख सकते हैं N2 प्लस O2 दैट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड ये रिएक्शन जो है सो इस रिएक्शन का स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे, द रिएक्शन इज एक्चुअली एंडोथर्मिक इन नेचर. दैट मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड्स. क्योंकि N2 बॉन्ड भी है वो भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ बना हुआ है एंड O2 OO में 2 बॉन्ड्स है. सो ये बॉन्ड्स ब्रेक होके आपको नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने के लिए एनर्जी तो जरूरी होता है. सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, सो सिमिलरली हम देखते हैं दैट इज रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम यही देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ नाइट्रोजन का क्या क्या मतलब मॉलिक्यूल्स बना सकता है वो एंड व्हाट आर देयर यूजेस एज वेल. ठीक है, सो कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है CaC2. सो CaC2 के साथ नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस में क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इट विल फॉर्म कैल्शियम साइनोमाइड. तो उसका इक्वेशन देख लीजिए, सो दैट इज CaCN2. ठीक है, सो कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन आपको एट 1000 डिग्री सेल्सियस आपको क्या मिल रहा है यहां पे CaCN2 कैल्शियम साइनोमाइड CaCN2 मिल रहा है आपको प्लस कार्बन. ठीक है, सो दिस इज द ओके, सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन CaCN2 प्लस C. तो आपको एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि दिस कॉम्बिनेशन या मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन, इसका हम बोलते हैं दैट इज नाइट्रोलम. ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं हम, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन को हम क्या बोलते हैं नाइट्रोलियम. ओके, नाइट्रोलियम. एंड ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर. तो ये मिक्सचर को हम बेसिकली फर्टिलाइजर फॉर्म में यूज करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, नाइट्रोलियम. ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिक्सचर होता है नाइट्रोलियम.
ठीक है. सो और भी रिएक्शंस जो है, नेक्स्ट हम यूजर्स के बारे में बात करते हैं. सो यूजर्स के बारे में बात करने से पहले तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, ठीक है. सो और भी यूजर्स है एंड उसके बाद टेस्ट है एंड क्वेश्चंस भी है आपको, एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट जो साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सो ये भी हमें डिस्कस करना है. तो ये सारे चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है. सो आज की क्लास तो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अगर आपको पसंद आया इस वीडियो, अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो अगर हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड सीमा लाइव. इसे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दीज आर अवर हैंडल्स. वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो हमारे वीडियोस को. एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल. सो वी आर अ फैमिली ऑफ थ्री. तीनों चैनल्स को सपोर्ट करते रहिएगा एंड क्रैक कीजिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन सी यू ऑल.